हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 23 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली इवनिंग में आपका स्टैटिक जीके भी तैयार कराया जाता है और स्टैटिक जीके के लिए डेली जीके टेस्ट नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है और इस सीरीज में अभी तक 13 एपिसोड आ चुके हैं, 13 वीडियो आ चुके हैं। उन सभी को जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप उसको भी देखते चलते हैं तो आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी अपना मजबूत करते चलेंगे और जीके जीएस का पूरा पोर्शन आपका कवरअप होता चलेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत में नौसेना प्रथम किस वंश के राजाओं के पास में थी। तो दोस्तों सबसे पहले नौसेना थी चोल वंश के राजाओं के पास, ठीक है, ये काफ़ी मजबूत नौसेना थी। अगला, ISA पुरस्कार में किस देश को यूरोप व अन्य क्षेत्रों के लिए विश्वसुरैया पुरस्कार मिला। तो नीदरलैंड को दोस्तों यूरोप व अन्य क्षेत्रों के लिए दिया गया था और वहीं जापान को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए दिया गया था। क्लियर, चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर है हरियाणा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है एनीमिया मुक्त भारत की, ठीक है, इसमें टॉप पर है हरियाणा। भारत में दोस्तों एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए यूनिसेफ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो भारत का है, इन दोनों ने मिल करके ये पहल शुरू की है एनीमिया मुक्त भारत। तो इसी के तहत ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें हरियाणा है टॉप पर। इसमें बताया गया है कि 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में हरियाणा में दोस्तों 93% का टीकाकरण वैक्सीनेशन प्राप्त किया गया है। क्लियर, एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया के बारे में दोस्तों मैं आपको वैसे तो डेली जीके टेस्ट में बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एनीमिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ब्लड में RBC के नष्ट होने की दर, यानी RBC जो बनता है वो खत्म होने की दर उसके बनने की दर से अधिक हो जाती है, यानी जितना आप RBC बन रहा है उससे ज़्यादा RBC समाप्त होने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में धीरे धीरे शरीर में खून की कमी होने लगती है। तो इसी को ही कहा जाता है एनीमिया, या रक्ताल्पता भी कहते हैं इसे, रक्त की कमी होने लगती है, ठीक है, तो रक्ताल्पता भी कहते हैं, तो यही एनीमिया होती है। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर है, बिल्कुल, आपको पता होगा कि हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में तीन प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह, ठीक है, ये सब बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में आपको बताया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियोज। हरियाणा आया है, फिलहाल हम लोग हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर हैं, BJP पार्टी से चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण जी। हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो हरियाणा अपना बॉर्डर दोस्तों उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और राजस्थान से शेयर करता है। हरियाणा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट एक ही है और इसके चीफ जस्टिस हैं कौन है, रविशंकर झा। अभी कल ही तो मैंने आपको बताया था रविशंकर झा जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों टोटल 90, राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 5 और लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 10। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में ITBP ने कहाँ से साइकिल अभियान शुरू किया। तो अभी हाल ही में ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने दोस्तों अभी हाल ही में सिक्किम से अपना साइकिल अभियान शुरू किया है। साइकिल कैंपेन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया है और क्यों शुरू किया गया है, ये दोनों जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों सिक्किम में पेंगोंग जो बेस है इसका, ITBP का जो बेस है पेंगोंग बेस, तो वहीं पेंगोंग बेस से साइकिल अभियान हमने शुरू किया है। इसका मेन पर्पज़, मेन उद्देश्य यही है कि राज्य में, सिक्किम में जो सीमावर्ती गांव हैं, जो बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं, वहां तक अपनी रीच पहुंचाना, ठीक है, अपनी पहुंच प्रदान करना। तो ITBP की टीम जो है ये अगले 20 दिनों तक, कब तक, अगले 20 दिनों तक टोटल 218 किलोमीटर को कवर करेगी। और ये 218 किलोमीटर कौन से होंगे, ये वो इलाके होंगे जो बॉर्डर में हैं, ठीक है, बॉर्डर से रिलेटेड, बॉर्डर से सटे हुए जो गांव हैं वहां तक साइकिल के थ्रू पहुंचेगी ITBP की टीम। बेसिकली ये दोस्तों ITBP की 11वीं बटालियन ने शुरू किया है सिक्किम के अपने पेंगोंग बेस से। क्लियर, अब आया है ITBP के बारे में जानते हैं।
ITBP भी दोस्तों CAPF का, CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसी का एक हिस्सा है। CAPF के अंतर्गत भारत की 7 प्रकार की फोर्सेस आती हैं, जिस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। इसी का एक हिस्सा है ITBP, ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। 1962 में हुई थी इसकी स्थापना, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि एक अलग से पुलिस सेवा शुरू की जाए ITBP की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर हैं SS देसवाल जी। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम देख लीजिए मैप में दोस्तों, ये रहा सिक्किम। 16 नवंबर 1975 को 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां भारतीय राज्य बना था सिक्किम। ये मैंने कई बार आपको बताया है डेली जी के टेस्ट में, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 22वां राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। गंगटोक यहाँ की है राजधानी। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है गंगा प्रसाद जी। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस है दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी। सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य से, ठीक है। इधर सिक्किम नेपाल से, चाइना से और भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन अगर भारतीय राज्य की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये पश्चिम बंगाल राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है भूटान, इधर पूरा चाइना और तिब्बत फैला हुआ है, तिब्बत अब चाइना का ही हिस्सा है, और इधर है नेपाल, तीनों से ये बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर INS कवारती को कमीशन किया? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में दोस्तों विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में INS कवारती को कमीशन किया गया है। ये INS कवारती दोस्तों प्रोजेक्ट 28 के तहत, किसके तहत? प्रोजेक्ट 28 के तहत जो 4 एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कवारेट INS कवारती बनाई जा रही थी, उसी में से ये चौथा और आखिरी है जिसको कमीशन किया गया विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में। क्लियर है, काफ़ी एडवांस फीचर से ये लैस है, हर प्रकार की पनडुब्बियों को भी ये सर्च करने में सक्षम है, परमाणु क्षमताओं से भी लैस है। तो अभी हाल ही में हमारे जो आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, उन्होंने ही ये कमीशन किया है, इसका कमीशन उन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है। कमीशन मतलब होता है शामिल करना, तो नौसेना में ये शामिल किया गया, कहाँ पर? विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में। तो ये स्वदेशी रूप से बनाई गई है, 90% इसमें स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। बनाया किसने है? इसको बनाया है दोस्तों गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जो कि कोलकाता का है, और इसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन यानी DND ने। अब आया है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के बारे में जानिए। भारतीय नौसेना दोस्तों दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। कौन सी? दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है भारतीय नौसेना। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। और नौसेना के बारे में अभी मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था कि भारत में सबसे पहले नौसेना किस वंश के पास थी? चोल राजाओं के पास थी, चोल वंश के पास सबसे पहले इतिहास में देखी गई नौसेना, ठीक है। हालांकि वो इतिहास की बात है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों करमबीर सिंह जी, एडमिरल करमबीर सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 से COVID-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा शुरू करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने दोस्तों 26 अक्टूबर से COVID-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा शुरू करने की घोषणा की है। क्यों शुरू की है? इसका मेन पर्पज यही है कि मिजोरम राज्य में COVID-19 ग्राफ को मेंटेन करना, यानी COVID-19 के खिलाफ लापरवाही ना बरतना, जिससे COVID-19 का ग्राफ मेंटेन हो सके और बढ़ते मामलों में कमी पाई जा सके। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए COVID-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा शुरू किया जाएगा 26 अक्टूबर से। किसके द्वारा? मिजोरम राज्य सरकार के द्वारा। मिजोरम आया है, मिजोरम देखिए मैप में, मैप में मिजोरम कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा मणिपुर के नीचे, ठीक है। त्रिपुरा से अपना बॉर्डर शेयर करता है, मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर करता है और असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इधर ये अपना म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थंगा, ठीक है। मिजोरम में मी हटा दीजिए, जोरम लिखिए जोरम थंगा, ठीक है। मिजोरम से जोरम थंगा। श्रीधरन पिल्लई जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। डम्फा अभ्यारण है मिजोरम में ही। मिजोरम का हाई कोर्ट पड़ता है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर इसे पी बना देना है। क्या बना देना है? पी बना देना है। तो पी बना देंगे अगर आप, तो देखेंगे 4 राज्य कवर हो रहे हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इन चारों का हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट है। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट से एक अपडेट है दोस्तों। गुवाहाटी हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। कौन है? एन कोटेश्वर सिंह।
ये अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि वहाँ पर चीफ जस्टिस जो अजय लांबा जी थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर अब आए हैं एन कोटेश्वर सिंह जी। तो ये अभी एक्टिंग है यानी कार्यवाहक है। हाई कोर्ट्स में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं जज, उन्हीं को बना दिया जाता है टेम्प्रोरी या एक्टिंग, ठीक है, तब के लिए जब तक कि कोई नई नियुक्ति ना हो जाए। तो अभी वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीनियर जो जज हैं वो हैं एन कोटेश्वर सिंह जी उस हाई कोर्ट में, इस वजह से उन्हीं को अभी चीफ जस्टिस का दर्जा दिया गया है। एक्टिंग अभी वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसे सोलोमन द्वीप का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में सुशील कुमार सिंघल जी को सोलोमन द्वीप का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार सिंघल जी दोस्तों सन 2000 बैच के IFS ऑफिसर हैं। ये अब सोलोमन द्वीप में नए उच्चायुक्त, नए हाई कमिश्नर होंगे भारत के। अभी कहाँ पर हैं? अभी ये दोस्तों पपुआ न्यू गिनी में भारत के हाई कमिश्नर हैं। सोलोमन द्वीप है कहाँ पर, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास में पड़ता है सोलोमन द्वीप, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी के पास में पड़ता है। यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी है और यहाँ पर पांच छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके बना है सोलोमन द्वीप, ठीक है, ये दिख रहा है सोलोमन आइसलैंड। चलिए सोलोमन द्वीप आया है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है होनी आरा। क्या है? होनी आरा है यहाँ की राजधानी। यहाँ की करेंसी होती है डॉलर, लेकिन ये सोलोमन आइसलैंड का डॉलर है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं माने से सोगावारे। क्या? माने से सोगावारे हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने दोस्तों रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत क्या होगा? इस कैंपेन के तहत दोस्तों रोड पर जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाया करेगा तो ड्राइवर्स से अपील की जा रही है कि ड्राइवर्स गाड़ी को अपने बंद कर दें, जब तक रेड लाइट ऑन रहे तब तक गाड़ी को अपने ऑफ रखें। इससे क्या होगा? इससे पर्यावरण प्रदूषण में कुछ हद तक कमी आएगी। तो अभी अनुमान ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण पर लगभग 15-20% तक की कमी देखी जा सकती है, अगर सभी ड्राइवर्स जो हैं वो रेड लाइट ऑन होने पर अपनी गाड़ी को बंद रखें तब। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और सबसे बड़ा रीज़न ट्रैफिक ही है, सबसे बड़ा रीज़न परिवहन ही है। तो ऐसे में इस कैंपेन के तहत लगभग 15-20% तक की कमी देखी जा सकती है पर्यावरण प्रदूषण में। तो इसके लिए दिल्ली सरकार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा रोड पर जा जाकर ट्रैफिक सिग्नल के रेड होने पर ड्राइवर्स से अपील की जा रही है, गुलाब वगैरह देकर के अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि वे गाड़ी को बंद रखें जब तक रेड लाइट ऑन है। क्लियर है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस रेलवे जोन ने भारत की तीसरी किसान रेल सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे ने, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने भारत की तीसरी किसान रेल सेवा शुरू की है। किसान रेल सेवा का क्या मतलब होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में कई बार आपको बताया गया है कि कृषि क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं जैसे सब्जियां, फल, फसल वगैरह, तो उनको सही टाइम पर मार्केट में पहुँचा दिया जाता है इसके थ्रू। इसमें ऐसे सब्जियां, ऐसे फल, ऐसे फसलों को ज़्यादा वारीता दी जाती है जिन्हें लगता है 2-3 दिनों में वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्जियों, फल, फसलों को सही समय पर मार्केट में पहुंचाने के लिए, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके, किसानों की फसल, सब्जियां या फल वगैरह बर्बाद ना हो, इस वजह से किसान रेल सेवा चलाई गई है और इसके तहत स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों को भेजा जाता है मार्केट में। क्लियर? तो इस ट्रेन के द्वारा जो अभी ये साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा भारत की तीसरी किसान रेल सेवा चलाई गई, इसके द्वारा अभी हाल ही में 242.6 टन की वस्तुओं का परिवहन किया गया। अब बात आती है कि जब ये भारत की तीसरी किसान रेल सेवा है तो पहली दो कौन सी थी? तो भारत की पहली किसान रेल सेवा दोस्तों महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चलाई गई। भारत की दूसरी किसान रेल सेवा और जो कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा थी वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर के बीच में चलाई गई। और ये जो तीसरी किसान रेल सेवा है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर से नई दिल्ली तक चलाई गई है। तो दक्षिण मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, उसके द्वारा भारत की तीसरी किसान रेल सेवा चलाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं, किस IIT संस्थान ने COVID-19 टेस्टिंग के लिए कोविड रैप तकनीकी विकसित की? तो अभी हाल ही में IIT खड़गपुर ने दोस्तों COVID-19 टेस्टिंग के लिए कोविड रैप टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये कोविड रैप टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये दोस्तों बेसिकली COVID-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीकी है। इससे 1 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट के साथ साथ रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी,
यानी एक ही घंटे के अंदर टेस्ट के साथ साथ रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो IIT खड़गपुर ने ये डेवलप किया है कोवी रैप टेक्नोलॉजी। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लुइस हैमिल्टन को। फार्मूला 1 के रेसर हैं, ठीक है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, फार्मूला 1 के रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों इस साल अभी तक 11 फार्मूला 1 की रेसेज हुई हैं, ठीक है, और इनमें से 7 रेसेज लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं अकेले। तो इनको बनाया गया LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैंने 2 और ब्रांड एम्बेसडर के नेम को लिंक कर दिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप किया जा सके। तो अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को भी एक ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? पार्ले एग्रो का बी फिज ब्रांड पार्ले एग्रो का है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रियंका चोपड़ा को। अभी कुछ ही दिन पहले रोहित शर्मा को वेगा मैन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हालांकि ये सब क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इस वजह से मैं इनको नहीं कवर करता हूं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर तो डेली बनाए जा रहे हैं आजकल। तो फिर इस वजह से जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से पहला वाला जो है लुइस हैमिल्टन जिसको बनाया गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम ने अपने पेटीएम फैंटेसी गेम पेटीएम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम था जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन जी थी। ये 22 अगस्त 1955 में 1955 में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। और मैंने आपको कई बार बताया है जब भी पहला पहले पहली जुड़ जाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो, क्विज मिलेगी आपको MJT ऐप पर, वहीं पर आपको क्विजेज के साथ साथ वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, PDF फाइल वगैरह। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं इमेज फॉर्मेट में एक सिंगल इमेज में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, और इसी टेलीग्राम ग्रुप पर लोग डिस्कशन भी करते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस भेजते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, क्विजेज भी कराई जाती हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन ग्रुप को ज्वाइन करना है सर्च करके टेलीग्राम पर, उसमें करंट टाइम पर 21,600 सब्सक्राइबर हैं, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, किसी फेक ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस कारण मलेरिया रोग होता है? अभी कल ही के डेली जीके टेस्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगला, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप लोग डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। और दोस्तों शाम को आती है डेली जीके टेस्ट की वीडियो, आप लोग उसको देखना मत मिस किया कीजिए। चलिए बस फिलहाल इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।